हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए, बीपीएससी और बीटीएससी की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 6526, यानी कि 6526 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी का मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनकी तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। अगर हम बीटीएससी की बात करें, यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, तो इनकी तरफ से जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसीज, इन दोनों की वैकेंसीज को बात की जाए तो 6526 वैकेंसीज हैं। अब भी हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम बीटीएससी यानी कि इसके जो जूनियर इंजीनियर के वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबके लिए वैकेंसीज हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे जूनियर इंजीनियर वाला। इसको डिस्कस करने के बाद हम बीपीएससी की डिस्कस करेंगे, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। बाकी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डिटेल में भी समझ सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीटीएससी की रिक्रूटमेंट, क्या क्या वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर बीटीएससी की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से, किसके लिए निकाली गई है, जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। हम कितनी वैकेंसीज हैं वो बात कर लें तो यहाँ पे 6379 यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। फॉर्म के स्टार्टिंग डेट की बात करें, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है 11th ऑफ मार्च, यानी कि 11 मार्च से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट की बात करें, 15 अप्रैल लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें, अगर आप मेल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 18 to 37 ईयर्स की एज लिमिट है, और फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके 80 to 40 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी रिलैक्सेशन भी है, आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। हालांकि पीडीएफ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, ठीक है, तो आप समझ लेना हिंदी लैंग्वेज में। मुझे जो तो चीज़ समझ आई है वो मैंने आपके सामने लिखी है और आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर रहे थे वैकेंसीज़ की, सिविल के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर हम सिविल की बात करें तो टोटल यहाँ पर 5815 वैकेंसीज़ हैं। सिविल के लिए 5815 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, यूआर की बात करें तो 1776 वैकेंसीज़ हैं जनरल वालों के लिए। एससी की बात करें, 1112 वैकेंसीज़ हैं। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 51 वैकेंसीज़ हैं। सॉरी, बीसी बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 778 वैकेंसीज हैं, और ईबीसी की बात करें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की तो 1280 यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई हैं। मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, टोटल यहाँ पे 432 वैकेंसीज हैं, जिसमें अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 176 वैकेंसीज हैं। अगर हम एससी की बात करें, 63 वैकेंसीज हैं। एसटी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। बीसी के लिए 54 है, और ईबीसी के लिए 80 वैकेंसीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, टोटल 132 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बात करें, 58, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, बीसी के लिए 8, और ईबीसी के लिए 26 यहाँ पर वैकेंसीज़ रखी गई हैं। यह आपको समझ आ गया होगा वैकेंसीज़ का। आगे हम बात कर लेते हैं फ़ी की। देखो, फ़ी अगर आपकी 50 रुपीज़ रखी गई है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को या पीएच कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या फिर वुमेन कैंडिडेट हो बिहार के, तो आपकी 50 रुपीज़ फ़ी है। बाकी किसी और स्टेट के या बिहार के जनरल कैटेगरी या ओबीसी के हो तो आपके लिए 200 रुपीज़ की फ़ी रखी गई है। इतना वो क्लियर होगा। क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स जिन्होंने किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन आपका सिंपली मेरिट निकाला जाएगा, उस मेरिट के बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मेरिट के बेसिस पर जिसमें 70 से 75% मार्क्स आपके जो डिप्लोमा के नंबर है उनके बेसिस पे होंगे, बाकी 25% जो बाकी फैक्टर्स रहते हैं उनको देखकर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब है मेरिट के ऊपर आपको डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अभी हमने बीटीएससी का डिस्कस कर लिया, यानी कि जूनियर इंजीनियर वाला डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं बीपीएससी की तरफ, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज हैं उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बीटीएससी में था, सिविल के लिए भी वैकेंसीज थी, मैकेनिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट की बात कर रहे थे, जो बीपीएससी का फॉर्म है, अब मैं टोटली असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूँगा, ठीक है। इसका स्टार्टिंग डेट 19 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट डेट इसकी 2 अप्रैल है। डेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है। अब हम एज लिमिट की बात कर रहे थे, यहाँ पर जो एज लिमिट
लिमिट है वो 21 से 37 ईयर्स तक की एज लिमिट रखी गई है। एज लिमिट अभी जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 अगस्त 2018 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। क्वालिफिकेशन के यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो सिविल के लिए तो बीई या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आप अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिकल के लिए तो बीई या फिर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। वहाँ पे आपको समझ आ गया क्या था, यहाँ पे बीई बीटेक मांगा गया है, वहाँ पे आपसे डिप्लोमा मांगा गया था। तो डिप्लोमा और बीई बीटेक सबके लिए यहाँ पे फॉर्म से आगे हम चल के बात कर लेते हैं। अब अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करते हो तो सिविल के लिए देखो इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं, जैसे एक वाटर रिसोर्स वाला, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला। सॉरी, अगर आप करते हो अप्लाई वाटर रिसोर्स के लिए तो वाटर रिसोर्स वाले डिपार्टमेंट के अंडर 83 वैकेंसीज हैं, और अगर सिविल वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंडर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 31 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हम बात करते हैं अगर आप वाटर रिसोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो इन 83 में से अनरिजर्व के लिए 13 वैकेंसीज है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसीज है, SC ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं यहाँ पे, EBC के लिए 36 वैकेंसीज है, यहाँ पर BC के लिए 26 वैकेंसीज है, बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और हाँ ठीक है इतनी वैकेंसीज है यहाँ पर। हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए 15 वैकेंसीज हैं, EWS के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, फिर SC के लिए 5, ST के लिए 1, SC के लिए 5, ST के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। उसके बाद बात कर लेते हैं EBC के लिए 5 वैकेंसीज हैं और BC के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। हाँ ये हो गई आपके वैकेंसीज, ठीक है। ये हो गया अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हो। अब हम बात करते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हो, उसका एक ही डिपार्टमेंट रखा गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसीज मिलेंगी 33, यहाँ पे टोटल 33 वैकेंसीज हैं। सॉरी, जिसमें से जनरल कैटेगरी वालों के लिए 15 वैकेंसीज हैं, जनरल कैटेगरी वालों के लिए EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें 3 वैकेंसीज हैं, SC की बात करें 4 वैकेंसीज हैं, ST की यहाँ पर 1 वैकेंसी है, EBC की यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं BC की यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं और BC वुमेन की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ये आपको समझ आ गया होगा सिविल का इलेक्ट्रिकल क्या क्या फंडा है। आगे हम चलते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है फी की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गया BE या फिर यहाँ पे BTEC चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फ़ी की बात कर लेते हैं, देखो अगर आप SC ST PHI वुमेन कैंडिडेट हो, बिहार के रहने वाले हो, तो आपके लिए फ़ी यहाँ पे रखी गई 200 रुपीज़। बाकी आप जनरल कैटेगरी के हो या किसी और स्टेट को बिलोंग करते हो तो आपकी फ़ी यहाँ पे रखी गई 750 रुपीज़, ठीक है। ये रहा फ़ी। सिलेक्शन कैसे होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका, रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब बाकी डिटेल्स आप समझना चाहते हो, आपको इसके PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके सामने रख दी है। किसी भी तरह डाउट इन चीज़ों को लेकर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हिंदी में दिया गया है तो वो हिंदी में समझना पड़ेगा, ठीक है।